और गाइस कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास है वन प्लस सिक्स। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको तीन फीचर्स बताने वाला हूँ जो वन प्लस सेवन प्रो के मैं डायरेक्टली पोर्ट करने वाला हूँ अपने सिक्स में। तो तुम भी अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो तीन जो कि लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस वर्जन में तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वन प्लस सिक्स और सिक्सटी में नहीं मिलेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं वन प्लस सिक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो चलो सेटिंग्स में ले चलता हूँ तुम्हें। तुम में से कुछ यूज़र्स कहेंगे ये तो वन प्लस सेवन प्रो सेवन ही है या कुछ ऐसा कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आउटफोन में लेके जाता हूँ, ये देख लो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्नैपड्रैगन 845 वन प्लस सिक्स और सिक्सटी में ही था, और सिक्सटी में तो फिर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और सिक्स में ही था कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले मैं वॉलपेपर्स पे लेके जाता हूँ, नंबर वन वॉलपेपर्स। ठीक है गाइस, तुम्हें वॉलपेपर्स सबसे पहले शोकेस कर देता हूँ। इनमें तुम्हें कुछ सिलेक्टिव वॉलपेपर्स मिल जाते हैं वन प्लस सेवन और सेवन प्रो के साथ। तुम देख सकते हो लाइव वॉलपेपर्स और कुछ स्टैटिक वॉलपेपर्स। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द लाइव वर्जन। दोनों का लाइव वर्जन सेलेक्ट कर लिया। अब जब भी मैं फ़ोन अनलॉक करूँगा, तुमने अभी भी एनिमेशन देख लिया, अब जब भी मैं फ़ोन अनलॉक करूँगा फिंगरप्रिंट से जैसे किसी से भी, तो तुम्हें ये एक लाइव सी एनिमेशन मिलेगी जो कि कुछ सेकंड के लिए होती है। अदरवाइज द वॉलपेपर बिकम स्टैटिक। एंड द गुड पार्ट इज गाइस कि तुम्हारे को फ़ोन जो है वो बैटरी भी ड्रेन नहीं होगी तुम्हारी, इससे बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। आई मतलब तुम मान के चलो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। ठीक है गाइस, ये था तुम्हारा फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट थिंग दैट यू पोर्टेड। एंड सेकेंड इज द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। गाइस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर है, इसे इनेबल कर लो इसको। और इसमें आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं, वन प्लस सेवन प्रो से ही डायरेक्टली पोर्ट किया गया है। इसके अंदर तुम्हारे को ऑडियो सोर्स करने, बिटरेट चेंज करने का ऑप्शन और रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें तुम टच ऑपरेशन भी शो कर सकते हो। अगर किसी को तुम्हें ट्यूटोरियल देख भेजना हो या कुछ, तो ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है तब के लिए। और गाइस अगर मैं तुम्हें ज़रा सुना दूँ ऑडियो, तो कैंसिल कर दूँ ज़रा। बाय द वे ये जो गैलरी ऐप है तुम भी देख रहे होगे, अगर तुम वन प्लस सिक्स या सिक्सटी यूज़ कर रहे हो ऐसी कोई नहीं मिलती। बाय द वे गाइस ये भी एक वन प्लस सेवन प्रो की एप्लीकेशन पोर्ट की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी इसलिए मैंने शो कर दी, बट अभी इतनी स्टेबल नहीं है इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता इंस्टॉल करने की। बाकी मैं एक लिंक भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से अपने आप डाउनलोड कर लेना सारी एप्लीकेशन जितनी तुम्हें नीड हो। अब सुनो इसकी तो तुम इसको जो सेवन सिक्सटी के लिए जो सिक्स के लिए दिखा रहा हूँ वो डेफिनेटली सिक्सटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो तुम्हें आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब थर्ड फीचर जो है गाइस वो है जेन मोड। गाइस ये फीचर उन यूज़र्स के लिए जो कमिटमेंट करना चाहते हैं, अगर स्मार्टफोन एडिक्शन से सफ़र कर रहे हो जैसे कि मैं कर रहा था कुछ टाइम पहले। इसे यूज़ करने के बाद मैं काफ़ी हद तक स्मार्टफोन से लेस एडिक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि यूट्यूबर हूँ तो गाइस फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। जो यूज़र्स स्मार्टफोन से ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं उनके लिए बेस्ट फीचर है जेन मोड। इसे इनेबल करने के लिए करने के बाद तुम्हारे को यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ 20 मिनट ब्रेक फ्रॉम योर फोन, स्टॉप, रिलैक्स एंड क्लियर योर माइंड। बेसिकली ये उनके लिए जो फ़ोन में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इससे ये हो जाता है कि सोशल मीडिया यूज़ करने से ज़्यादा तुम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते और तुम सोशली इन्वॉल्व नहीं रहते रियल लाइफ में लोगों के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस इसका एक फ़ायदा है, एक बार ओपन होने के बाद, एक बार ऑप्शन टर्न स्टार्ट करने के बाद तुम इसे कैंसिल नहीं कर सकते और तुम्हारे को नोटिफिकेशन ऐप की म्यूट हो जाएंगी। तुम फ़ोन कॉल्स बेशक रिसीव करोगे, बट तुम खुद इमरजेंसी कॉल्स ही लगा सकते हो, तुम किसी और को कॉल नहीं लगा सकते इसे टर्न ऑन करने के बाद। एंड ऑल ऐप्स दैट विल बी टेम्प्रेरी लॉक्ड एक्सेप्ट फॉर द कैमरा, सारी ऐप्स लॉक हो जाएंगी, कोई भी यूज़ नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट कैमरा। तो गाइस इसे स्टार्ट करने के बाद ही होगा, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा नहीं तो मेरा फ़ोन लॉक हो जाएगा। बट हाँ, जब तुम कभी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं तुम्हारे लिए, वो 20 मिनट तुम्हारे पढ़ाई में काम आ सकते हैं। तो इसी बात पे यार वीडियो लाइक कर दो अगर ये ऐप पसंद आई। अब मैं तुम्हें ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले यार इस वेबसाइट पर जाना है तुम्हारे को, APK Mirror, सर्च करना है गूगल पर
एपीके मिरर वन प्लस एप्स, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एपीके डाउनलोड कर लेना है। वॉलपेपर रिसोर्सेस का भी होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से नेक्स्ट करना है। और ये ZenMode डाउनलोड कर लेना है। ये तीन एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। अब तुम्हें जाना है जहाँ पे तुमने डाउनलोड कर रखा है, बेसिकली डाउनलोड फोल्डर पर। ठीक है, यहाँ से ये तीनों ऐप्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगी, डन। ठीक है, और जैसे इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे जाना है टॉगल पे, जो फीचर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ तुम्हें इस वे में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे होंगे दोनों फीचर, इनको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आराम से इंजॉय करो इन ऐप्स को, और तुम आराम से मतलब यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक दे दो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ वन प्लस 6 और 6T जो यूज़ कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और मैं ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस लाता हूँ, लाता रहूँगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैं डेफिनेटली बैट कर लगा सकता हूँ मेरे से पहले ही कोई वीडियो नहीं डालने वाला, मैं ही अकेला पहला यूट्यूबर हूँगा जो ये वीडियो बना रहा है। तो आई होप यार इसी बात पर लाइक दे दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे लाइक्स और की बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को वीडियो बनाने में, और व्यूज़ भी बढ़े और सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़ जाए। थैंक यू गाइस।